निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी संजय जोशी ने MBPG कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्षता की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ABVP प्रत्याशी की मदद कर रहा है, जिस वजह से चुनाव में धांधली होने की आशंका है। नैनीताल रोड स्थित एक होटल में हुए वार्ता में संजय ने कहा कि मेरे समर्थकों को धमकी दी जा रही है कि अगर वे मतदान करने आए तो उनके वाहन तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और अभी भी जानलेवा हमले की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मतदान के दौरान रिकॉर्डिंग करने की मांग की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बैठक बस यही है कि हम चाहते हैं जो अभी 7 तारीख को आगामी छात्र संघ चुनाव है वो हमारे कॉलेज में वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें रहे, बाहर भी और कॉलेज के अंदर भी हर रूम में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा हमें दी जाए, जिससे हमें चाहते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव हो और वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें सबसे बड़ा एक साधन हमारे लिए रहेगा। 7 तारीख को छात्र संघ का चुनाव है और MBPG कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव उत्तराखंड का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है छात्र संघ का, और इसे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कहें तो शायद गलत बात नहीं है। इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में इन लोगों ने एक टिप्पणी करी थी, वो चीज़ हमें मुझे बहुत सस्ती और गंदी राजनीति करने का प्रयास किया गई, वो था कि ये लोग निर्दलीय हैं, इनके पास क्या है, हमारे पास सब कुछ है। देखिए मुश्किलें तभी सामने आती हैं जब जीत बहुत करीब होती है, और ये मुश्किलें आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मुश्किलों का सामना हम हंसते हंसते कर रहे हैं और जीत के दिन तक हंसते हंसते करेंगे। और देखिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, सरकार और सत्ताधारी लोग जो हमारे साथ गलत चीज़ें कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मेरे कार्यालय में पथराव किए जा रहे हैं, तो बस एक वो ABEP के लोग हैं, सभी को ज्ञात है।